सो हे गाइस, बहुत ही जल्दी रियलमी का नार्जो 30 प्रो इंडिया में लॉन्च हो गया जल्दी, क्योंकि गाइस बहुत कम टीज हुआ मुझे ऐसा लगा, नहीं तो हाइप जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटेड रहती थी हमेशा, लेकिन रियलमी एक्स 7 सीरीज़ की वजह से इसका हाइप थोड़ा कम क्रिएट था, और शायद इसलिए भी कम था क्योंकि ये फ़ोन उतना ज़्यादा दमदार नहीं भी था। क्योंकि गाइस मैं आगे चल के बताऊंगा इस फ़ोन को गाइस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सारे कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं गाइस इसके स्पेक्स के बारे में। तो गाइस रियलमी का नार्जो 30 प्रो आज इंडिया में लॉन्च हुआ है गाइस, प्रो जैसा इसमें कुछ भी नहीं लगा प्रोसेसर को छोड़ के। प्रोसेसर से बात करें गाइस, इसमें आपको मीडिया टेक का डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि सेम रियलमी के X7 में लगा हुआ है। और आपको लुक और डिज़ाइन के बारे में मैं आपको बता दूँ, जो ग्लोबली लॉन्च हुआ था रियलमी का X7, यहाँ पे जो X7 Pro है वो वही फ़ोन है, बट X7 को नहीं लॉन्च किया, उसके जगह कोई और फ़ोन को लॉन्च कर दिया गया था। और जो X7 ग्लोबली वाला था उसको Realme का Narzo 30 Pro के नाम से यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो गाइस यहाँ पे ऐसा होता रहता है रीब्रांड, ये सब तो उन्हीं की कंपनी है तो वो उनकी मर्ज़ी है, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ बता दे रहा था। और वहीं पे गाइस बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे गाइस आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे कोई भी AMOLED डिस्प्ले नहीं है, और साथ में गाइस 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है गाइस। प्रोसेसर मैंने आपको बताया कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर है, जहाँ पे गाइस अगर हम लोग क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ इसको कंपेयर करें तो स्नैपड्रैगन 750 जो प्रोसेसर है 750 उससे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। और अंततः स्कोर की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लगभग जो है 750 वो थोड़ा सा स्लाइटली बेटर है, बाकी दोनों में उतना फ़र्क नहीं है। दोनों ही जो प्रोसेसर है गाइस वो 5G है, और मीडियाटेक 800U मतलब ये 5G फ़ोन है। तो गाइस यहाँ पे प्राइस की बात करें तो 16,999 रुपये इसका मिनिमम प्राइस है, जहाँ पे आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगा, जहाँ पे कम प्राइस में आपको एक 5G फ़ोन इंडिया में देखने को मिल रहा है। और वहीं पे जो अगला प्राइस है इसका 8GB रैम और 128GB इंटरनल मेमोरी वाला फ़ोन आपको देखने को मिलेगा 19,999 रुपये। तो गाइस मैं आगे बताऊंगा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और वहीं पे बात करें गाइस इस फ़ोन के बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ में आपको 30W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे फास्ट चार्जिंग बहुत सही है, मतलब 65 मिनट्स के अराउंड शायद ये फ़ोन चार्ज हो जाता है, ऐसा बोला है रियलमी ने। तो गाइस आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा की, तो कैमरा की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और डिज़ाइन मैंने आपको बताया जो रियलमी X7 ग्लोबली था वो नार्जो 30 प्रो के नाम से आया है। तो यहाँ पे गाइस आपको 48 मेगापिक्सल का जो है मेन सेंसर देखने को मिलेगा, साथ में 8 मेगापिक्सल का वो अल्ट्रा वाइड एंगल, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। गाइस हम लोग 2021 में आ गए हैं लेकिन 2 मेगापिक्सल का कैमरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, बाकी कभी कभी ये जो है काम अच्छा कर देता है, कई लोगों ने मुझे कमेंट में बताया है। तो गाइस वहीं पे बात करें जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा वो भी ठीक ठाक काम करेगा, बट यहाँ पे प्राइस के हिसाब से थोड़ा कैमरा और बेटर होना चाहिए था, अराउंड 64। अब प्रोसेसर अच्छा है गाइस, 7nm पे बेस्ड है, ऑप्टिमाइजिंग जो है थोड़ा अच्छा करेगा इसके लिए, मतलब प्रोसेसर बहुत अच्छा है तो शायद 48 इनफ हो जाएगा इसके लिए। वहीं पे बात करें गाइस इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट में गाइस आपको साइड पंच होल देखने को मिलता है, तो पंच होल देते हैं गाइस तो अच्छा लगता है, मतलब अभी का ट्रेंड है और प्राइस के हिसाब से पंच होल देना भी चाहिए था। आप मुझे कमेंट में बताना गाइस कि आपको मिडिल पंच होल पसंद है या फिर साइड पंच होल, मुझे तो मिडिल पंच होल ज़्यादा पसंद है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि एक ठीक ठाक कैमरा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस गाइस आप यहाँ पे जो रियलमी के X7 और बाकी जो Mi 10i उससे भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसका कंपैरिजन, तो आप स्लाइटली आप देख सकते हैं। बाकी मैं कंक्लूजन में आपको बता दूं गाइस कि इसका जो सेल है वो 4th of March को है, तो 4th of March को भी गाइस यहाँ पे एक फ़ोन लॉन्च होने वाला है जिसका बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है, जैसा कि आपको बताया रेडमी का नोट 10 सीरीज़। तो गाइस आप ना मतलब आपको रुकना नहीं है क्योंकि 4th of March को वो भी रिलीज़ हो जाएगा, तो ख़रीदने से पहले आप उसको देख लेना एक बार, और देखकर स्पेसिफिकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आप श्योर हो जाएंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए कौन सा फ़ोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें गाइस आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। 4th of March आपको रुकना नहीं पड़ेगा, 4th of March को इसका फर्स्ट सेल है, 4th of March को जो फ़ोन है रेडमी का नोट 10 सीरीज वो भी लॉन्च हो रहा है इंडिया में, तो आपको सब कुछ वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा अपने को ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर रेडमी की तरफ जाना चाहिए या फिर जो रियलमी का X7 है या फिर और जो मी का 10i है उसके तरफ जाना चाहिए। और अराउंड गाइस अगर आप 19,000 रुपये वाला फ़ोन लेते हैं, 19,999 रुपये वाला,
तो उस फोन से अच्छा गाइस आप रियलमी के X7 सीरीज के तरफ चले जाइए, मतलब वहाँ पे आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपको एमोलेड डिस्प्ले की, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले गाइस यहाँ पे हम लोग 17,000 रुपये पे कर रहे हैं, और अगर हायर वेरियंट लेते हैं तो 20,000 रुपये पे करेंगे और हम लोग को एमोलेड देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस अगर जो एमोलेड यूज़ करता है या फिर आपके किसी दोस्त का एमोलेड वाला फ़ोन है जिसका डिस्प्ले एमोलेड है, आप उसको एक बार यूज़ करिए, आपको आप फिर उसके बाद अपना फ़ोन यूज़ करना, आपको ज़रूर फ़र्क पता चलेगा कि एमोलेड डिस्प्ले में आखिर ऐसा है क्या। मतलब गाइस जो व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है और फ़ोन यूज़ करने में भी मज़ा आता है। तो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।